महादेव और नारायण को वापस लाने के लिए मार्गदर्शन हेतु त्रिदेवियों का यहां उपस्थित होना इस बात का प्रमाण है कि लोहितांग के पतन का आरंभ हो चुका है। कौन है जिसने लोहितांग को रोकने का दुस्साहस किया? छुपे क्यों हो कायर? सामने आओ, सामने आओ लोहितांग। दुस्साहस तो तुमने किया है आकर। महादेव पुत्र, महादेव भक्त नंदे, महादेव पुत्र गणेश, उत्तम, अति उत्तम पालक का अर्थ क्या है? ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो लोहितांग को रोक सके। लोहितांग को भी त्रिदेवियों की संयुक्त शक्ति का अनुभव हुआ ही कहा है। काशी में प्रवेश करने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। महादेव पुत्र, यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होता बालक तो मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करता। जाओ बालक, कैलाश जाओ, अन्यथा ऐसे पराजित करूंगा कि दोबारा खड़ग उठाने के विचार से तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा। और स्मरण रहे बालक, इस बार तुम्हारी रक्षा करने ना ही तुम्हारे पिताजी महादेव आएंगे और ना ही तुम्हारे मामा श्री नारायण आएंगे। महादेव और नारायण अवश्य आएंगे, उन्हें त्रिदेवियां लेकर आएंगी। अनसुईया, धन्य हूं मैं जो आज त्रिदेवियों के पुनर्दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। देवी, हम यहाँ अति आवश्यक उद्देश्य हेतु उपस्थित हैं, जिसकी पूर्ति हेतु आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आदेश करें देवी, क्या उद्देश्य है? वही जिसकी प्रतीक्षा समस्त लोगों को है, महादेव और नारायण की वापसी। मेरी पत्नी अनसुईया, महादेव और नारायण की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आओ भाग्य माते, आओ भाग्य। किंतु माते,
ये संभव कैसे होगा? उसी वरदान के माध्यम से जो इन्हें त्रिदेवों से प्राप्त हुआ था। आपने आज इस संसार के समक्ष सतीत्व का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके लिए आपको एक वरदान जो उचित समय आने पर फलीभूत होगा। त्रिदेवों के दिव्य शक्तियों से सुसज्जित आपका ही पुत्र है जो इस संसार के ऊर्जाओं को पुनः स्थापित करने में सक्षम होगा। जब वो सक्रिय हो जाएगा तो महादेव के लिए ध्यान से बाहर आना संभव होगा और तभी महादेव नारायण को वापस ला सकेंगे। हमारे पुत्र के लिए इतना महान दायित्व, हम धन्य हुए माते, हम धन्य हुए। युगों से वो कावेरी के तट पर तपस्या कर रहा है, उसका आवाहन करने का समय आ गया है। नारायण नारायण, अद्भुत, अति अद्भुत। इसका अर्थ यह है कि जिस युद्ध का प्रारंभ लोहितांग ने किया था उसका अंत निकट है। महादेव पुत्र, मुझे ज्ञात था कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। महादेव पुत्र, उत्तम, अति उत्तम महादेव पुत्र गणेश। गणेश, आपने अपने ऊर्जा से सुरक्षा कवच निर्मित कर काशी और काशी के निवासियों की रक्षा की है। नंदी, मैं तो केवल पिताजी के आदेश की पूर्ति कर रहा हूं। तुम प्रथम पूज्य हो और ये उपाधि तुम्हें किसी कारण से ही दी गई थी मेरे पुत्र, और अब शीघ्र ही परिवर्तित होने वाले संसार में तुम्हें ये भूमिका भी पहले से कहीं अधिक निभानी पड़ेगी। काशी पिताजी की अति प्रिय नगरी है, उनकी अनुपस्थिति में काशी और पिताजी के भक्तों की सुरक्षा मेरा दायित्व है। नारायण की कमी को पूरा करना असंभव है, किंतु संहार से सृष्टि की रक्षा के लिए, नारायण की सेवा के लिए मैं अपने पुत्र दत्तात्रेय का आवाहन करती हूं, जो कि स्वयं नारायण का ही अवतार है। ब्रह्मदेव और महादेव के आशीर्वाद से सशक्त है वो। अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय उपस्थित हो। सत्य अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय प्रकट हो। हम अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय का आह्वान करते हैं। हम अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय का आह्वान करते हैं। दत्तात्रेय
माता अनुसुईया, मेरे जीवन को सार्थक बनाने हेतु आपने मेरा आवाहन किया, मैं धन्य हुआ।